वीडियो बना ले। सो गाइस ऐसा है मेरा हाल, बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं भी हम समझाएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि वो हम लोग बात आपको करेंगे। शादी हो गई हां तो वाले दो लोग हैं। काटो इसको, काटो हां काटूंगा। मैंने देखा क्या हुआ, क्या हुआ, कौन पादा, कौन पादा, छी छी काले भाई, छी 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 गंदा काले भाई, छी कैसे कैसे भाई, इज्जत का मामला है तो 10 दिन हैं आपके पास, आ जाओ। मुझे फोन किया घर वालों ने, कल शादी आ जाओ। नहीं 10 दिन के बाद शादी है मेरी। इंडिया में जो भैंस होती है वो काली होती है, पाकिस्तान में भैंस लाल होती है। माय गॉड, देखो कौन आया है, हु इज दिस, हु इज दैट, हु आर यू, कोले भाई, कोले भाई, सुलगवा, सुलगवा, यसु। वेलकम टू द न्यू व्लॉग विद अ न्यू डे, न्यू टास्क एंड न्यू चैलेंजेस, बट हमको पता है कि हम फाड़ देंगे। सो आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग विद माई न्यू शर्ट। जिसने पिछला वाला व्लॉग देखे उनको पता है कि आज मैं न्यू शर्ट लगा कर क्यों जा रहा हूँ। जिसको पता नहीं है, देखो पिछले वाला व्लॉग में मेरा पुराना शर्ट का क्या हाल हो गया था, उसकी वजह से हमको किधर जाना पड़ा, क्या करना पड़ा। ओके गाइज, सो आई वॉज थिंकिंग दैट मैं अभी सुबह सुबह, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है सो फ्रेश भी नहीं हुआ था अच्छे से, अभी शुरू ना करूँ, बाद में करूँगा। बट आई थॉट बाद में रूम जाके तो फिर नया शर्ट के बारे में नहीं बता सकता, तो अभी सोचा अभी इंट्रो तो अभी ही शुरू करता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपनी ड्यूटी पे, और प्लीज़ कमेंट बिलो ये शर्ट में कैसा लग रहा है, फिटिंग, फिटिंग तो क्या बोले, चल रहा है। ओके गाइज, सो अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग लॉट पहुँचने वाला हूँ, तो अब शुरू करते हैं आज का दिन। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आता है डेली व्लॉग्स। जिस इसको डेली व्लॉग्स देखना, लाइफस्टाइल व्लॉग देखना अच्छा लगता है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। सो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद भी नहीं है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दैट इज़ फ्री फॉर यू, और मेरे को उससे बहुत हेल्प मिलती है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द डे टुडे। सो गाइज, मैं निकल गया हूँ फिर से ब्रेक में अपने रूम की तरफ। so, आप देख सकते हैं मुझे, सुबह तो इतना फट जाती है ना, क्योंकि ओनली 2 स्टाफ होते हैं, और अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए ऑनलाइन में तो सब ऑर्डर रेडी करना पड़ता है ना हम लोग, तो सो जस्ट इमेजिन क्या होगा हाल। तो अभी ऐसा ही हाल था, अभी तो ब्रेक में हो तो निकल गया हूँ, और आज फ्रिजू से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका ड्यूटी शेड्यूल चेंज हो गया है और लोकेशन भी चेंज हो गया है, तो आज उसको खाना नहीं चाहिए, और अगर उसको नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, बिकॉज भूख नहीं है। तो जो लेफ्ट ओवर है वही बनाएंगे, खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। और भैया मुझे देख रहे हैं दूर से, ये कौन सा पागल है बोल रहे हैं, मैं सही हूँ यूट्यूब का पागल हूँ। ओके, यूट्यूब के कीड़ा ने काटा है मुझे। सो द थिंग इज ऐसा है, तो अभी रूम जाएंगे, फ्रेश होएंगे। मेरे पास ये ब्रेड है जो मैंने सुबह खाया था, वो नहीं खा पाया था। अभी एग्स भी पड़े हैं रूम पे, थोड़े से राइस पड़े, उसको कुछ बना के वही लंच के रूप में खाऊंगा, और फिर से आना पड़ेगा ड्यूटी। ओके गाइज, सो अभी तो हम इधर पार्किंग लॉट पे, यू कैन सी, अभी तो इधर BMW मर्सिडीज तो नॉर्मल लगने लगा है। जैसे उधर देखो एक पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ तो नहीं, उधर है एक पार्ट। सो मर्सिडीज उसके बगल में है, वाह। सो गाइज, अभी मैं बनाने जा रहा हूँ अपना लंच। सो आज जैसे कि मैंने बताया कि आज फ्रीजू से नहीं मिल पाएंगे, उसको लंच भी नहीं दे पाएंगे, तो मुझे भी कुछ अच्छा बनाने का तो मन नहीं था, तो ये ब्रेड लिया है जिसको मैंने एग्स के साथ मैरिनेट किया है, और इट्स द सॉसेज। अब इसको मैं करूँगा फ्राई, और 2 एग्स को पोस्ट करूँगा, और वही बना के खाने जा रहा हूँ। ओके, सो आज का होगा ये, पता नहीं क्या होगा, ये ऐसा ही होगा लंच आज का। सो गाइस, शुरू करते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लवली।
सो गाइज मैं निकल गया हूँ अभी फिर अपने ड्यूटी के लिए। जो कैंसी मैं रोड क्रॉस कर चुका हूँ, अब ये रोड क्रॉस करके सीधा जाना है। बट तो देखो यार मस्टैंग हर एक मिनट में दिखता है। तो आज तो श्रीजू से मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि पहले ही बता दिया। तो क्या करें, ऐसा ही है। लंच जो भी बनाया था बहुत टेस्टी बना था। लेट्स वेट फॉर द कार्स एंड क्रॉस द रोड। ओके अभी नहीं इसके बाद भी नहीं, क्योंकि ब्लू कार आ रहा है उधर से। अभी करेंगे हम क्रॉस। ओके क्या जगह है ना ये, माय गॉड। देखो कौन आया है, हु इज दिस, कोई सादा, हु आर यू? कोले भाई चिल्ला लगवा, यू आर सिक, ओके, हाउ इज माय हेयर स्टाइल? सो अभी शुरू हो रहा है काम। क्या हुआ कौन पादा? छी काले भाई, छी गंदा काले भाई, छी कीजिए ये ऐसा ही हुआ, ये काले भाई है ना। नमस्ते इंदौर को लैंड दी लोड कोनी कॉन्ट्रैक्टर दी लोड कोनी ना समझ लाऊंगा फिर दामा आप भी बना ले। सो गाइस ऐसा है मेरा हाल, बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं अभी हम समझाएंगे, हम बताएंगे कि वो हम लोग बात कर रहे हैं भैंस के दूध की। हां हां वो तो पता है कि मेरी बात तो नहीं कर रहे, वीजा का लाइसेंस का बात कर रहा है। लेकिन जब मैं नेपाली में बोलता हूँ उन लोगों को देखना चाहिए रहा। आप बोलो ना, हम सुनेंगे। आप बोलो नेपाली। गाय को दिया जिसका दूध निकालते हैं। की को दूध? वो ब्लैक गाय का, गाय का जैसे काऊ का होता है। काऊ काऊ हाँ काऊ गाय का, हाँ काऊ का दूध होता है। हाँ इधर से दूध, हम बोलते एक दूध दो चार। अरे कहना क्या चाहते हो? बात अंडे वाला बर्गर। हम जो बोलते हैं गाय, हम गाय नहीं, गाय एक और चीज, गाय और चीज है, भैंस और चीज है। भैंस हाँ भैंसी 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 हाँ भैंसी, गाय के भी चार दूध होते हैं, वो तो तीनों या घी है। नहीं ठीक है, उसके भी चार ही होते हैं ना, उसके भी चार ही होते हैं। तो वो भी दूध देती है। हाँ इंडिया में भैंस होती है वो काली होती है, पाकिस्तान में भैंस लाल होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ये फ्रॉडी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है भाई। भैंस दोनों की सेम ही है, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, भैंस सेम है, दूध भी सेम ही देती है। ये दूध है कि ये चार दूध है उसके, दो इधर है दो इधर है, इधर से पकड़ो तब भी दूध है, इधर से पकड़ो तब भी दूध है। इसकी जो वीडियो देखी है ना वो सर मर गया भाई, कुछ ये ज्यादा नहीं हुआ कैसे आते है? लाल भैंस होता है, वीडियो में अब आएगा कि पाकिस्तान का भैंस लाल होता है। लाल तो नहीं, उसका दूध क्या है मतलब, उसका लेकिन ऐसा है ना एलर्जी होने वाले से उससे एलर्जी भी होती है। छाटे मारे ना दूध के पकड़ के करके दुबारा कैसे उससे ठीक हो जाता है। जबान पे तुम्हारे छाले बने हुए हैं, छाले एकदम गर्म चीज तुमने खा लिए, तो दूध जो उसका फ्रेश होता है ना वो सीधा जबान पे डालेगा तो उसका दूध बहुत ज्यादा ठीक होता है ना गाय से, चढ़ जाता है मतलब फैट वाला। हाँ फ्रेश है ना, हाँ मतलब गाय का दूध से भैंस का दूध फैटी होता है ना। हाँ लेकिन वो जो गाय का दूध होता है थोड़ा नमकीन होता है, नमकीन होता है और ब्राउन कलर की जो गाय होती है नमकीन होता है और पतला होता है, पतला होता है थोड़ा। आपके यहाँ पर ऊँट का दूध भी खाते हैं? ऊँट का नहीं, ऊँटनी का, वही तो ऊँटनी का, तुम गलत बोल रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, जिंदगी में पाकिस्तान में मिलता है लाल भैंस। #हैशटैग ऊटनी का दूध, ऊट का दूध। तो मैं आ गया रूम में, आपसे आगे बैठा लेकिन हम लोगों को चढ़ा रहा है, तो इसको बोलते हैं देसी जड़ी बूटियां। शादी के लिए स्पेशलिस्ट है ये। हाँ। शादी करने से एक साल पहले खाओ, दो साल में काम हो जाएगा तुम्हारा, मर जाओगे। एक साल पहले खाओ, दो साल में काम हो जाएगा। काम से आते काम हो जाएगा, काम का मतलब वही हो गया, काम हो जाएगा, ताकत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
हम तो बिना खाए एक साल में ही काम हो गया था, 9 महीने में काम हो गया था, ये खा के 2 साल में काम हो गया, ये कैसे है? तो लड़की ढूंढने में 2 साल लगे थे ना, बोलने का मतलब ये है कि वो पहले से जा रहा है, पहले से खा रहे हैं आपने, तो लड़की ढूंढने के लिए 1 साल है आजकल, ये तो लोग ऐसे ढूंढ लो फिर खाओ, ये बात की अभी नहीं मुझे पता नहीं, नहीं व्यूज के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, मुझे चाहिए व्यूज। तो व्यूज वाली जगह से ये अपना व्यूज काट देगा और दूसरा व्यूज काट देगा, अपना व्यूज कहाँ से आ गया? आता है ऐसा। तो ये जड़ी बूटी शादी से पहले है, तो इसका मतलब ये कौन खा रहा है अभी? ये उसका मतलब, उसका मतलब उसका शादी है होने वाला है। हाँ गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? शादी कर लो या ना शादी करो, एक ही समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, शादी 1965 में हो चुकी है इसीलिए हमको ऐसा बोल रहा है। अभी हमारी बात हमने भी संभाल के रखा था, भाई संभाल के रखा था, ये अलग बात है, अभी अभी के बच्चे बर्गर पिज्जा वाले हैं भाई, तुम बात करते हैं बर्गर पिज्जे वाले भी वही है ना, बर्गर पिज्जे वाले भी हैं, मगर अभी जय गलत जहन गलत साइड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ये फंस गया सी है ऐसा, इधर गलत साइड गया इधर को रोक, इधर से लड़की खुली है तो दरवाजा दिखा दो उस तरफ जाऊंगा, वो समझ जाएंगे कौन है लो तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से, नहीं नहीं वो बताएंगे बाद में, चल चल तेरे बाप को बंद सिखा, पता है पता है, ये भाई साहब जो है हमारे माशाल्लाह ये गांव से बिलोंग करते हैं, देसी घी देसी दूध खाया हुआ, देसी मॉल में रह गए हैं, देसी मॉल में रहे, वो सिटी में लोग रहने वाले ज्यादातर बर्गर पिज्जा वाले, हां आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लोग हैं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल लोगों को आर्टिफिशियल चीजें ही खानी पड़ती हैं, ये आर्टिफिशियल किधर है, ये आर्टिफिशियल है, इसके किधर है, इसमें एक चीज भी बताओ, एक चीज बताओ, आर्टिफिशियल लोगों को ऐसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, ये बात की आर्टिफिशियल वो तो नहीं खाते ना, वो तो चौपट ये भाई बोल रहा था, हमने दिखाया भाई ये आर्टिफिशियल, शादी के लिए इतना प्रेशर, अब देखो यार मुझे फोन किया घर वालों ने, कल शादी आ जाओ, नहीं 10 दिन के बाद शादी है मेरी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मुझे फोन किया बड़ा ये जो है ना उस टाइम नहीं मुझे पता, बड़ा इसे 10 दिन बाद शादी है, और मुझे फोन किया घर वालों ने कि भाई इज्जत का मामला है तो 10 दिन है आपके पास आ जाओ, यही नहीं अभी और सुनिए, अभी दूसरा बात नहीं बताया, इज्जत का मामला है, और बाबू को बता रहा हूँ मैं भाई, इज्जत का मामला छुट्टी जाना, छुट्टी जाना है, बोलता नहीं अभी छुट्टी नहीं दूंगा, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, फिर वो 5 दिन के बाद बोला भाई तुम्हारा शादी है तुम आ जाओ, इतनी खुशी बोला सही है भाई, मैं बोला अभी बता रहा, फिर मैंने उससे झगड़ा किया बाप से, बोला भाई आप मुझे फिनिश करो, आपके पास पासपोर्ट है या आपका लेबर कार्ड है, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो, बहुत तेज हो रहा है, शादी करना है, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं, आईपीएल भी नहीं, सीधा इंटरनेशनल मैच खेलना है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, सीधा स्टेडियम में, सीधा स्टेडियम, ख्याल करे अपना, इंसान को कुछ नहीं,
कुछ नहीं है। औरत जो चीज है वो एक प्यार का फूल, देखो वो इस्लाम को फॉलो, इस्लाम को फॉलो करते तो दारू वारू कुछ नहीं पीते, फिर भी इतना रोमांटिक बातें करते, अगर दारू पीते होंगे तो कितना और रोमांटिक बातें निकलते। इस्लाम में जो इस्लाम में है ना हमारा रोमांटिक है, ये नहीं है, रोमांटिक है, रोमांटिक जो भी है चलेगा, जैसा भी चलेगा। प्यार मोहब्बत जो है ना बीवी से करनी चाहिए। हाँ। वो बताया जाता है कि अपनी बीवी से जितना हो सके उतना प्यार, वो तो कभी कभी मेरे वीडियो में दिखता है ना जैन भाई का प्यार, वीडियो कॉल में कर रहे थे, देखा ना उस दिन इधर दूर से वाईफाई वाला प्यार कर रहे थे ना, कैमरा बंद कर दे, मुझे दिखा दे तो ये बात है। तो भाई देखो मुझे वो बोलते हैं ऐसी चीज नहीं कोई आदमी को खा जाए, उससे प्यार से चलो, कुछ नहीं कहती वो, वही तो उसको समझो कि मैं क्या मांगना चाह रही हूँ, ये नहीं है जो अपनी चलाते जाओ, बैंक कार्ड नहीं, बीवी खुश तो घर खुश, मोहब्बत चाहती है, बैंक कार्ड भी नहीं चाहती, मोहब्बत चाहती, मोहब्बत दो आपको तो अकेले बराबर पेर रहे मुझे दोनों, अभी बंद करो मैं आपको बात सुना, कैमरा बंद कर दे, सच्ची में ओके गाइस क्या बात है मैं बाद में बताऊंगा। सो गाइस माय डिनर इज रेडी, आज कुछ ऐसा ही बनाया आप देख सकते हो, दिस विल बी माई डिनर, आई विल कॉल इट अ डे, आई होप यू गाइज लाइक टूडेज वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, टिल देन साइनिंग ऑफ श्रीजू ऑर्फन ब्लॉग, आई वुड जी एम में खाया जी आप सुती।